अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा शाहिद शेख है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जिसको इंग्लिश में कहते हैं। मैं करंटली अपनी PhD कर रही हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजी में और मैं हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती हूँ अपनी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ या जिसको हम साइकोलॉजिकल इमोशनल या नफ्सियाती प्रॉब्लम्स कहते हैं उसके ऊपर बेस कर रहा है। आज मैं आपसे इस बात पे बात करूँगी कि कैसे हमें पता चलता है कि हमें किसी माहिर नफ्सियात को ख़ुद को दिखाने की ज़रूरत है या किसी साइकोलॉजिस्ट को विज़िट करने की ज़रूरत है। बहुत से लोग जो हैं उनको इस बारे में आइडिया नहीं होता कि कब वो इमोशनल प्रॉब्लम्स का शिकार होकर बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस जाते हैं, तो हमारी ये जो वीडियो है इस तरफ लीड करके हमें उन सवालों का जवाब देगी। अगर हम आम रूटीन की बात करें तो हमारा मूड अक्सर औकात ऊपर नीचे हो जाता है, कभी ख़राब हो जाता है, कभी बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन हम अमूमन कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद अपना मूड संभालने काबिल हो जाते हैं। लेकिन अगर इस चीज़ का दरानिया बहुत बढ़ जाए और आपका मूड जो है आपसे संभाला ही ना जा रहा हो, आप बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहे हों, आप बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हों, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा फील कर रहे हों, आपको रिग्रेट हो रहा हो, गिल्ट हो रहा हो और आप इन फीलिंग्स के ऊपर काबू ना पा सकते हों, तो उसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं और उसमें एक बेसिक वजह जो होती है वो साइकोलॉजिकल हेल्थ के इश्यूज़ हो सकते हैं, यानी आपको कोई इमोशनल प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। अक्सर कात ये भी होता है कि हमारी सोचें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेरब्त हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, हमारा उन पर कंट्रोल नहीं रहता। अक्सर कात लोग जो हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। बेशतर अवकात ये भी होता है कि बहुत से लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं। ये दोनों कैफियात जो होती हैं अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, तब भी ये इस बात की इंडिकेशन होती है कि हमें हमारे नफ्सियात की तरफ जाना पड़ सकता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई शख्स बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है तो अक्सर अवकात वो ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता है और ओवर थिंकिंग अक्सर अवकात लीड करती है एंग्जाइटी को, डिप्रेशन को, सैडनेस को और बहुत से केसेस के अंदर ये पैनिक अटैक्स को भी लीड कर सकती है। तो अगर किसी को ये वाला सिम्टम्स आ रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी इंडिकेटर होता है कि हमें माहिर नफ्सियात को दिखाना पड़ सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, क्राइंग स्पेल्स आते हैं, बहुत टाइम आप रोने में गुजारते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और आपका गुस्सा इतना बढ़ गया है कि आपके लोगों से झगड़े शुरू हो गए हैं, आप चीज़ों की तोड़फोड़ शुरू कर दी है आपने, आप अपने कीमती चीज़ों का नुकसान कर बैठते हैं, तो अगेन इस चीज़ की इंडिकेशन है कि शायद कोई इमोशनल इशू चल सकता है। इसके अलावा बहुत से लोग जो कि इमोशनल साइकोलॉजिकल या नफ्सियाती प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन लो हो जाती है, उनके मेमोरी इश्यूज आने लग जाते हैं, यानी उनका काम में ध्यान नहीं लगेगा। वो अक्सर कात क्योंकि उनके जहन में इतना कुछ चल रहा होता है, बहुत से थॉट्स चल रहे होते हैं, तो उनका ध्यान उन्हीं थॉट्स की तरफ लगा रहता है। बहुत से लोगों को मुश्किल होती है कि वो अपने आम रोज़मर्रा के कामकाज जो होते हैं उसको भी नहीं कर पाते। बहुत से लोग जो इमोशनली डिस्टर्ब्ड होते हैं वो अपनी जॉब्स के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, वो अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, और एक बहुत बड़ा इंडिकेटर इसमें यह भी आ जाता है कि लोगों के रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने लग जाते हैं। बहुत से लोग जो हैं उनके अपने स्पाउस, अपने मियाँ या बीवी या अपने फ्रेंड्स जो हैं इनके साथ झगड़े होने लग जाते हैं, फैमिली के साथ इश्यूज़ आने लग जाते हैं। बहुत से लोगों को ये लग रहा होता है कि हमारी बात कोई समझ नहीं पा रहा, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हो जाते हैं। बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि ये बता सकता है कि आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आप फेस कर रहे हैं, उसमें हम सुसाइडल आइडिएशन को काउंट करते हैं। जिन लोगों के अंदर ज़िंदगी को जीने की एक चाह ख़त्म होती जाती है, जिन लोगों को ये लगता है कि बस वो अपने आप को ड्रैग करके काम पर या ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, जिनको ज़िंदगी जो होती है बेमायनी लगने लग जाती है, या उनके जहन में अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के ख्याल आ रहे होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि एक इंडिविजुअल जो है या जो शख्स है वो इमोशनल हेल्थ के प्रॉब्लम से गुजर रहा है और यहाँ पे उसको साइकोलॉजिस्ट की जो खिदमात हैं उसको लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये जो करंट वीडियो है ये इस वक्त मरहम के मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का हिस्सा है और उसकी वजह से हम बना रहे हैं और आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं।